तो रात को इस वक्त गलियों में हम लोग चल रहे हैं शाहीन बाग के बाहर। ये पूरा शाहीन बाग है, तो शाहीन बाग का मैं आपको वीडियो बना के रोड का दिखा रहा हूँ। ये शाहीन बाग का रोड का इलाका है जो आप देख रहे हैं बाहर से। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं एक से एक अभी। तो यही वो पॉपुलर वाला शाहीन बाग है जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा। देखिए ओखला विलेज लिखा हुआ है, ग्रेटर नोएडा एंड ऑल। ये इलाका जो है दिल्ली में आता है और दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे है, दिल्ली एंड नोएडा के बॉर्डर पे। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ अलग हो। ऐसा हर जगह पे चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। क्रॉक्स का शोरूम एंड अदर थिंग्स, वैन्यूसन एंड ऑल, सारे ब्रांड्स सभी कुछ हैं। इससे आगे जाके कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन भी है, कालिंदी कुंज यहाँ पे पार्क भी है बहुत ही फेमस। तो बस रात को ऐसी सैर कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, मुआयना कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं जगहों को। फाइनली सिस्टर्स की बात सुन के इन लोगों के झांसे में आके हम लोगों ने अच्छा खासा मैकडोनल्ड जो था बीच में उसे तो छोड़ दिया। पता नहीं कहां पर हम लोग पहुंचे हैं और यहां पे ये लोग कह रहे हैं कि यहां बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड मिलते हैं, चलो वहीं पे खाते हैं। तो अब चलो भाई आ गए हैं स्ट्रीट फूड पे। तो यहां पे स्ट्रीट फूड हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। सो मैकडोनल्ड जाने का प्लान आज कैंसिल। ये है शिव स्पेशल श्री राम लड्डू भंडार, जो कि बेसिकली सेक्टर 18 पर है, सेक्टर 18। तो स्ट्रीट फूड आज करते हैं ट्राई, सो देखते हैं कैसा है। तो 50 रुपीज़ में जो है हम लोगों को ये पूरा एक मिक्स करके सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है और फिर यहाँ की और भी बाकी चीज़ें डिशेस भी ट्राई करेंगे। लेट्स सी, अभी वो भी एंड चटनी के डाल के जो है पूरा कंप्लीट तैयार हो गया। ये आ गई हमारी प्लेट, देख लीजिए इसको ज़रा जी भर के। तो मूली एंड गोभी मिक्स इसके अंदर। अच्छा अभी ये लोग का मन कर रहा है एक पनीर एग रोल खाने का और एक चिकन रोल खाने का, तो अभी दोनों एक एक बोल दिया है। हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं जायका रोल एंड मोमोज पर, उसी जगह पर जहाँ पे हम थे उसी एरिया में स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। सो बन रहा है ये हमारा पनीर रोल। हो रुको, तो ये डाला गया है पहले तो एग, और इसको बिल्कुल बीट किया जा रहा है एग्स को। इसके ऊपर तेल डाला जा रहा है थोड़ा सा। तो ये जो है एग की कवरिंग लग चुकी है, जो रैप है उसके ऊपर एग की कवरिंग हो चुकी है। ये डाल दी गई है इसके ऊपर अभी प्याज एंड बीटरूट। अब ये पनीर का पूरा पहाड़ डाल दिया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देख के ही। अब इसे अच्छी तरीके से मैश किया जा रहा है। अब ये जो पूरा बनाया गया है इसे लेके उस पर रोल पे डाला जाएगा, मतलब रैप पे, और रैप को रोल किया जाएगा। तो अभी रैप पे डाला जा रहा है ये। तो अभी सॉस एंड हरी चटनी ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं इसके ऊपर। दो तरीके के सॉस और दो तरीके की हरी चटनी है, एंड ये स्पेशल चाट मसाला। अब ये रोल देखिए पूरा इसको कर दिया गया है, रोल बना दिया गया है। तो ये हाफ हाफ करके जो है आ चुका है, ले लीजिए लेडीज कम ऑन। तो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है भाई ये, है ना, बहुत अच्छा लुक है। चलिए खाइए। ये शुरू हो चुका है हमारा चिकन वाला। तो बहुत सारी प्याज, बहुत सारा चिकन। वैसे ये दो रैप के लिए पूरा बना हुआ है, इतना मटेरियल, दो रैप आएंगे इसमें। तो ये जो है पूरा मसाला तैयार हो चुका है अच्छे से। अब इसे लेके इसमें से कुछ पार्ट जो है रैप में डाला जाएगा। ये देखिए भाई थोड़ा ज्यादा चिकन डालिए, ये आगे अलग अलग भाई कौन कौन सी सॉस है वैसे? पहली वाली केचप है पहला वाला, और ये दूसरा हाँ चिली सॉस, और ये वाली घर की वो है क्या, पुदीने वाली, धनिया पुदीने वाली। अच्छा, और ये लास्ट वाली, अच्छा मोमोज वाली सॉस है। चार तरीके की सॉस डाली जा रही है, वाह।
तब जाके तो कुछ बनेगा भाई। अच्छा बहुत सही, तो इसको भी दो पार्ट में काट दीजिए भाई। बनेगा तो ये एक एल्यूमिनियम फॉइल में रैप हो गया, अब बीच में से काटा जाएगा अच्छे तरीके से। आ गया, लीजिए ज़ीशान अपने हाथ में ले लीजिए बेटा, ले लीजिए। ग्रेट, उसका लुक ही एकदम ज़बरदस्त है। हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग मोमोज पर, दार्जिलिंग ये हमारे बना रहे हो ना ये। तो ये जो अभी ग्रेवी बनाई जा रही है, सब एक एक करके सारी चीज़ें डाली गई हैं। ग्रेवी वाला बन रहा है, चटनियाँ तो वो अलग एक दे दी गई, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी इसमें एक्चुअल ग्रेवी की मतलब बनाई जा रही है, और इसी के अंदर फ्राई वाले मोमोज डाले जाएंगे, पनीर फ्राई वाले मोमोज। आंटी जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, दार्जिलिंग के मोमोज आंटी काफ़ी सालों से यहाँ पे बेच रही हैं। मैंने भी पूछा था इनसे तो उन्होंने बताया दार्जिलिंग मोमोज। लास्ट मोमेंट जो है हमारा प्लान चेंज हो चुका है, और हम लोग अब फ्राइड वाला नहीं लेके जो है ग्रेवी वाला ले रहे हैं, जिसमें मतलब तीन चार चीज़ें आती हैं। तो क्या क्या है भाई ये ज़रा बताना, ये क्या चीज़ है? ये मेयोनेज है, वो ये अच्छा वो शेजवान चटनी जो होती है वो, और वो वाली वो रेड तीखी वाली चटनी होगी। अच्छा कौन सी? अच्छा अदरक लहसुन वाली, और वो लास्ट वाली कौन सी है? एक तो हरी वाली भी, और उसके बाजू में टमाटो केचप भी है। मतलब टोटल मिला के पांच अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं ग्रेवी वाले में। तो चलिए खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। वो दार्जिलिंग मोमोज में मिल रहा है एक वेज मोमोज, एक पनीर मोमोज और एक चिकन मोमोज, और बहुत ही स्पेसिफिकली सब चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। देखिए फुल हाफ फ्राइड और ग्रेवी, तो हम लोग तो सिर्फ फ्राइड वाला ले रहे हैं, पनीर वाला। मुझे तो पनीर ज़्यादा पसंद आता है, चिकन से ज़्यादा अच्छा मुझे पनीर ही लगता है। तो ये आंटी जो है काफ़ी पॉपुलर है, एंड ये आंटी जो है बनाती है ये सब मोमोज, दार्जिलिंग मोमोज। तो ये ऊपर से गार्निश हो गया, और आ चुका है हमारा ग्रेवी वाला जो मोमोज है वो। सो पनीर ग्रेवी मोमोज। बिना फ्लैश के ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है वैसे, है ना। अब ये हम लोग जा रहे हैं सामने, वहाँ पे मिल रहा है कुछ साउथ इंडियन डोसा। वैसे डोसा या तो साउथ इंडिया में खाइए या महाराष्ट्र में खाइए, बाकी यूपी में या नॉर्थ इंडिया में कहीं भी डोसा आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। बट ये तो हमारी सिस्टर्स की ज़िद थी, इसलिए मैं इनको लेके आ गया हूँ इस वाले स्टॉल पे भी। बट साउथ इंडियन चीज़ें नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, ना ये लोग चटनी बना पाते हैं वैसी, ना कोई चीज़ बना पाते हैं। पर चलिए आइए देखते हैं कैसा है। तो ये आ गया है हमारा मसाला डोसा, आइए देखते हैं कि आखिर कैसा मिलता है दिल्ली में मसाला डोसा। चलिए आइए, तो दिल्ली का कैसा है मसाला डोसा भी हमारे सिस्टर्स खाएंगे और बताएंगे। तो मतलब मुझे जो उम्मीद थी कि बहुत बुरा होगा, वैसा ना हो के ये एक्चुअल में ठीक ठाक है, अबव एवरेज है। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अबव एवरेज तो है, तो इसे मैं 10 में से 5.5 या 6 मार्क्स ईजिली दे सकता हूँ। तो आज का हमारा जो सफ़र है वो यहीं ख़त्म हो रहा है। हम लोग जो है लौट के बस घर को जा रहे हैं, ये है बैटरी। तो हमें वहाँ से कोई भी ऑटो डायरेक्टली नहीं मिल रहा था दिल्ली जाने के लिए, तो पहले भी हम लोग जा रहे हैं नोएडा के सेक्टर 37 में, और वहाँ से मिलेगा ना शेयरिंग ऑटो।